अस्सलाम वालेकुम। क्या ठीक ठाक खैर खरीद ये आप ले के रखी नहीं सारिया जी खैर ते एक का ही अच्छा बात अल्लाह की तावत मेहनत की थी हटा माशाल्लाह माशाल्लाह थोड़े जपर को हिंचिक छोड़ना आओ वैंदी कई ऊपर आओ हटा हटा ए बस उसे दिन असल बता की टोरी है अच्छा छः महीने बाद बहुत सूप होनी है सुनो तेल अच्छा अच्छा बस सिर्फ ये हूँ तू करें ना अच्छा अच्छा और कोई थोड़े थे नाल कि ज्यादा है बरली पति है अच्छा ठीक ठीक बस सारी दिहाड़ी थाई रखे इन्होंने अच्छा 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 ये बात इन्होंने बिचू बेच बेच के गुजारा करें ना नहीं नहीं साढ़ा अल्लाह का शुक्र ये तो इन मैं चौंकी बस जरा है ना मैं तो घर आले आदमी क्यों रखी वाला अच्छा मैं रात को थोड़े तो डंगर वाला जदी पुष्टि काम है मोस सारा थोड़ा तो निजाम ये बात मैं यार को शौक के बाद ये बात उसे बड़ा जे बनाई घर च हवेली के बीच होने सही माल वाली बीच वदी ना डंगर दे नहीं बांध छोड़ी नहीं अच्छा बांध छोड़े चलो अल्लाह पाक कामयाब करे बड़ी मेहरबानी जी आए जाओ आप ले लो जड़े से डर पंद सत कनाल बनवे दी मेरे खाले वो दरिया तक है ना तोड़ तक वो भी चल नहीं हो उस नहीं ए बस अच्छा इतने को नूल कसल का पीवन वाला कौन लाया हुआ हाँ हाँ ये कितने फुट होते हैं मीठा पानी त्री तो पानी मीठा होता नहीं अगर मैं हथ करके विश्कार करके करावा त्री फुट के बोल हुथ करी करा के चेक कर लेते हाँ हाँ वाह थैंक कर रहे हैं हाँ बस ठीक हो गया ओ थाई अगर है ना अगली साइड दे ठीक हो गया जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल ख़ान है और मैं हूँ अल फैसल प्रॉपर्टी सर्विस की जानिब से। भेड़ें और बकरियाँ रखनी सुन्नत हैं और ज़्यादातर खागड़ जो होती हैं सुक्की जो होती हैं वो सस्ती मिल जाती हैं, उनका एक रेवड़ रख लिया जाए, इसमें काफ़ी बरकत भी है और मुनाफा बख्श कारोबार है। अभी ज्वार की फसल काश्त हो चुकी है यहाँ पे। इस इलाके का नाम है जोग दरियानी, ज़िला सरगोधा में ये रकबा आता है जोग दरियानी, और यहाँ पे तकरीबन 8 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से ज़मीन मिल जाती है। पानी जो है तकरीबन 100-110 फुट पे मीठा पानी है। ज़मीनें भी माशाल्लाह अच्छी हैं, फसल भी अच्छी देती हैं।